Now, today we are going to start with chapter number 12, Towards Independence. In this chapter, we will study about journey of independence. हम गांधीयन टूल ऑफ स्ट्रगल देखेंगे, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट आवर इंडिपेंडेंस. द इंडियन रूल, द इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ सेवरल लीडर्स फॉट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. दे पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, इंडिया फाइनली बिकम एज इंडिपेंडेंट कंट्री. और जो इंडिया है वो फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है 15 अगस्त 1947. नाउ जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर सेट अप बाय द इंडियंस, बट दे डू नॉट हैव लार्ज बेस. इट वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज स्प्रेड अ कंटिन्यूस एंड इंक्रीजिंग नेशनल वाइड अवेयरनेस अमंग इंडियन पीपल. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसने स्टैब्लिश करी थी? एक ब्रिटिश ऑफिशियर थे आपके एलन ऑक्टेव ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, 1885 में. और जो पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम के वो कौन थे? गोकुलदास तेजपाल, संस्कृत स्कूल इन मुंबई ऑन दिसंबर 20. इन्होंने क्या डिक्लेयर करा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. This organization led freedom movement. The movement led by INC can be classified on 3 phases. देखो, 3 phases पे भी. एक तो आपका लिबरल एज, एक क्या है आपका लिबरल एज, रेडिकल एज एंड थर्ड वन इज गांधीयन. इन 3 phases में डिवाइड करा हुआ था, ठीक है. अगर हम बात करें जो आपका लिबरल एज है वो 1885 से 1905 तक, ठीक है. और अगर हम बात करें रेडिकल एज, इसको क्या, ये 1905 से 1919 तक है. और गांधीयन एज 1919 से 1947 तक, ठीक है. नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिबरल एज, जो आपकी शुरू है 1885 से 1905 तक, ठीक है. द मेन मोटो ऑफ INC वॉज टू यूनाइट सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया और सेकेंड एंड शो कंप्लीट फेथ इन जस्टिस ऑफ ब्रिटिश में, ठीक है. वो यूनाइट करना चाहते थे, उन्होंने बिल्कुल फेथ रखा ब्रिटिश रूल में. एंड देयर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट थ्रू एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम्स ऑन मिनट्स. मेन लीडर्स होते वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और WC बनर्जी. ये क्या थे? जो मेन लीडर्स थे. द लिबरल्स थॉट दैट इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ ब्रिटिश रूल. लोगों ने ये सोचा, जो आपके लिबरल्स थे उनके दिमाग में यह था, अगर नेशनलिज्म आएगा तो जो ब्रिटिश है उनका रूल हो जाए, ठीक है. दे ब्रॉट द पीपल इन टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मूवमेंट. और उन्होंने लोगों को क्या करा, लोगों को वो एक नेशनल मूवमेंट में लेके आए. और उन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो उसको किसने क्रिटिसाइज करा? रेडिकल्स ने क्रिटिसाइज करा, ठीक है. दे कॉल्ड इज पॉलिटिकली बैड, ठीक है. इसको पॉलिटिकल अपीजमेंट कहा. फिर जो रेडिकल एज की बात करते हैं, इसमें आपके द रिपलर वॉज द पॉलिटिकल स्ट्रगल फेम सेटिस्फाइड न्यू ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस. एक नया ग्रुप बना जिसको अब रेडिकल कहते हैं. ये क्विक एक्शन और रिजल्ट पे बिलीव करते थे कि एक्शन जल्दी से होना चाहिए और रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए, ठीक है. दे फेल्ट दैट द एम ऑफ INC शुड बी स्वराज, ठीक है. INC का जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए. और जो मेन लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल पाल थे, बिपिन चंद्र पाल और अविनाश अरविंद घोष. और जो रेडिकल्स थे उन्होंने जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसको अपोज करा. एंड दे अपोज द ब्रिटिश सिस्टम एजुकेशन. उन्होंने क्या कहा कि ये डिसेन कर रहा है इंडियंस को, उनके एजुकेशन को और उनके कल्चर, ठीक है. और जो बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने डिक्लेयर करा स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, कि मैं उसको लेके रहूंगा. किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक. रेडिकल लेड अ स्वदेशी मूवमेंट. Through this movement, they made the people aware about the use of indigenous. ठीक है, इससे लोगों को इंडिजिनियस गुड्स के बारे में
अवेयर करा और इन्होंने जो फॉरेन बुक्स थे इसको बायकॉट करा, ठीक है। यहाँ इवेंट ऑफ दिस पीरियड वर द पार्टीशन ऑफ बंगाल और जो स्वदेशी मूवमेंट थी 1906 की और जो मॉन्टे मिल्टो वर्ल्ड रिफॉर्म थे 1909 के, इस यहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आया और ये इंट्रोड्यूस हुआ ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गांधियन एज की बात करते, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 1689 पोरबंदर गुजरात में। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने लॉ की डिग्री इंग्लैंड से ली थी एंड ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट मुंबई, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ही गॉट असाइनमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन साउथ अफ्रीका। फिर ये इंडिया आए 1915 में ऑन ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे उनसे मिले। उसके बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स में चले गए 1990s। गांधीयन टूल्स ऑफ स्ट्रगल, गांधी जी कैसा चाहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, वायलेंस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और सत्याग्रह होना चाहिए। ये इनके दो टूल थे, इन्होंने दो वेपन बताए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस मीन्स रिफ्रेनिंग वनसेल्फ फ्रॉम प्रोवाइडिंग हार्म टू समवन। इस सेकेंड वेपन वॉज सत्याग्रह, इज क्लेम दैट इट हैज होल्डिंग सो फ्रूट बट बोथ ऑफ हिज वेपन गेव अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन टू हिज रिलीजियस आइडिया ऑफ प्रोफेड नॉन वायलेंस। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिफोर एंटरिंग टू नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जो गांधी जी थे उनके दो सक्सेसफुल सत्याग्रह हुए, एक को था इंडिगो प्लांटर्स चंपारण के अगेंस्ट तीन कातिया सिस्टम और दूसरा था पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। बट इन 1919 कुछ इवेंट हुए जिसको अनाउंस करा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थी एंड इसका रिजल्ट क्या था, वॉलेक्ट एंड जलियांवाला बाग, मिस्चारे और खिलाफत होम। अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जैसे बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करा गया, कॉलेजेस को बॉयकॉट करा गया, फॉरेन गुड्स को, इलेक्शंस को हेल्ड करा गया अंडर एक्ट ऑफ 1990, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया एंड सरेंडर, लोगों ने अपना टाइटल अपने ऑनरेरी पोजिशन जो थे उनको सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कॉलेज स्कूल एंड पंचायत कोर्ट्स। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट बिगन इन 1920 वॉज स्प्रेडिंग डे बाई डे, इनकरेज विद द सक्सेस। गांधी जी प्रोमिस स्वराज विद अ ईयर बट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू इंसिडेंट, जो चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था नियर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट वापस लिए, ठीक है। क्या हुआ था, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, बहुत सारे पुलिसमैन जल गए थे उस इंसिडेंट्स में। इन दिस इंसिडेंट मॉब सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर और जो सब इंस्पेक्टर थे वो 21 पुलिसमैन मर गए थे। Although the movement was withdrawn in the middle, yet it achieved main object. It made the freedom struggle mass movement. इसने एक freedom movement को mass movement बना दिया and it removed the fear of British rule from people's लोगों के mind में जो fear था British rule का वो निकल गया। It increased self-respect, confidence, political awareness or nationalism among the civil disobedience movement. Appointment of Simon Commission. Simon Commission का appointment 1927 में, refusal of Nehru report, denial of dominant station, successful movement at Bardoli, Meerut conspiracy case, compelled Gandhi ji, in sab wajah se Gandhi ji ne ek nayi movement start kari, that is civil disobedient movement. Starting to our historical Dandi March, Gandhi ji apne 78 companions ke saath Sabarmati se Dandi, inhone ek march start kara, theek hai, on 12 March 1930, 24 डेज का था और 1936 अप्रैल को गांधी जी वहां पहुंच गए। गांधी जी ने क्या करा, सॉल्ट प्रिपेयर करा सी वाटर से और उनको अपने हैंडफुल हैंड्स में लिया, ठीक है, एंड देन बिगेन अ सिविल डिसऑबिडेंस प्रोग्राम्स ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। पीपल लिविंग नियर द सी शुड कम आउट एंड मेक सॉल्ट, जो सी के पास रह रहे वो बाहर आए और सॉल्ट बनाए। एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशमेंट करा, अबॉलिश करी। स्टूडेंट एंड टीचर्स को कहा आप गवर्नमेंट स्कूल और इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए। बॉयकॉट करा और बर्न करे फॉरेन बुक्स को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर द वाइन शॉप और फॉरेन बुक शॉप।
कि ऑल द मूवमेंट फेल्ड बट इट्स कंटिन्यू फॉर अबाउट 4 ईयर्स. इन 1934 इट वॉज विदड्रॉन बाय कांग्रेस और इन्होंने एक ग्रेट सेक्रीफाइस प्रिपेयर करा एंड इट ट्रेन देम फॉर अ लॉन्ग नेशनल मूवमेंट दैट वॉज कमिंग. ठीक है, लोगों को ट्रेन करा गया लॉन्ग नेशनल मूवमेंट के लिए जो अब आगे आ दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. ये लास्ट मूवमेंट है और ये भी किसके लीडरशिप में थी, महात्मा गांधी के. ठीक है, ये बहुत सारे रीजन की वजह से स्टार्ट हुई थी. कुछ इंपॉर्टेंट रीजन क्या होते हैं, फेलियर ऑफ क्रिस्ट मिशन, वॉर, प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, एंड फियर ऑफ जापानीज इन्वेजन. द हिस्टोरिक सेशन ऑफ कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन अगस्त फॉर 1940. ठीक है, टैंक मैदान मुंबई, गांधी जी इन स्टिरिंग स्पीच गेव स्लोगन डू और डाई और ये स्लोगन बन गया हमारी पूरे मूवमेंट का, ठीक, करो या मरो. प्रोग्राम्स क्या थे, ब्रिटिश शुड लीव इंडिया इफ दे डू नॉट लीव. ब्रिटिश को इंडिया छोड़ देनी चाहिए, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो इंडिया उन्हें फेंक देगा मार. स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी हेल्प. स्ट्राइक्स करने लगे लोग, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे. There is symbols of foreign rule like telegraph lines, railway and government offices. इनको अटैक करा गया और किसका establishment करा गया, independent government. ठीक है, and last week the independence after a series of discussion, उतने सारे discussion करे, several leaders देखे, Lord Mountbatten introduced a plan for solution of the Indian political problem. इस plan को क्या कहा जाता है, Mountbatten plan. इट वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेन पॉलिटिकल पार्टीज. किसने एक्सेप्ट करा, सारी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थी. और ये बिल पास करा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंड विद एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री एग्जिस्टेंस में आई. और जो बाउंड्री कमीशन को सेटअप हुई थी, एक उन्होंने बाउंड्री बनाई जिसको हम रेड क्रॉस लाइन कहते हैं दोनों कंट्री के बीच में. और इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बन गया कब, 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन टाइम. चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम एक्सरसाइज करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस और कब करी थी और किसने करी. व्हाट वाज द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, क्या डिफरेंस था आपको बसानी. व्हाट वर द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड थ्रो द लाइट ऑन द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट एंड व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफ द क्विट इंडिया. मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, आप बोलिए. जैसे ब्रिटिश को इंडिया छोड़ देना चाहिए, अगर बनाई छोड़ेंगे तो उन्हें थ्रू आउट करा जाएगा. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दीज लीडर थॉट दैट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ ब्रिटिश रूल. किसने सोचा, रेडिकल्स ने सोचा. हु डिक्लेयर स्वराज आर बर्थ राइट, किसने, एंड आई विल हैव इट, दैट इज बाल गंगाधर तिलक. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका इन 1950. विच ऑफ द following are the historical events that started in 12 March. Consequently, that is Dandi March. Which of these become the slogan of Quit India Movement? Do or die. Karo ya maro. Now, next is fill in the blank. The Daesh leaders believed in quick action and result. Kaun se radicals the? Next is Daesh was the पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. गांधी जी मेड डैश एंड डैश इज टूल फॉर स्ट्रगल. कौन कौन था, एक तो नॉन वायलेंस था और दूसरा क्या था आपका, सत्याग्रह. ये दो टूल थे स्ट्रगल. Dash introduced a plan for the solution of Indian political system. किसने ड्रा करा था, that is radicals ने. The boundary line वो लाई करती है इंडिया और पाकिस्तान के, वो कौन सी है, रेड क्लिफ लव. नाउ पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट आपको बताना है. मॉडलिम इंटू रिफॉर्म, अपॉइंटमेंट ऑफ स्विच सिमॉन कमीशन और ये मैच का फॉलोइंग है. आप बता सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.